वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट हमारे साथ आ जाइए आज के फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन की ओर हम मूव करते हैं। डियर, आप सब ये जानते हैं कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट डे बाई डे कितनी बढ़ती जा रही है, और विदाउट करंट अफेयर्स तो आपका कॉम्पिटिशन में होना, और खासकर जब गवर्नमेंट कंबाइंड कॉम्पिटेटिव ला रही है, सीईटी लाने के विचार कर रही है, ऐसी स्थिति में समसामयिक घटनाओं का काफी महत्व होगा आपको। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आइए, ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनों के लिए आपको मददगार साबित होगा। आप यूपीएससी देना चाहते हो, आप जेपीएससी देना चाहते हो, ओके, आप बीपीएससी देना चाहते हो, सीडीएस देना चाहते हो, सीएपीएफ, एनटीपीसी, सीएचएसएल, व्हाटएवर कॉम्पिटिशन में आप बैठना चाहते हो, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। फाइन, चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे टेलीग्राम ऐप्स पे ढूंढो, मैं आपको टेलीग्राम ऐप्स पे, आप मेरे को लिंक आउट करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम ऐप्स पे मिल जाएंगे। और ये हमारा ऐप का नाम है एमिनेंट एजुकेटर्स। टेलीग्राम पे मुझे सर्च करो। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप SPAJ Kumar हमारा रेफरल कोड को यूज करो। इस रेफरल कोड को यूज कर आप सब्सक्रिप्शन ले पाओगे अन अकेडमी में। सो डाउनलोड अ टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन URL, क्लिक ऑन टू ज्वाइन। फाइन, आप NTPC रेलवे के पेपर दे रहे होगे डियर, तो आपको यह एहसास हो रहा होगा कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसी वजह से मैं दिसंबर से, जो भी एग्जामिनेशन आप मई में बैठोगे, वो दिसंबर के चुनिंदा क्वेश्चनों को आज के सीरीज में लेके आया हूँ। यूपीएससी में आप बैठने जाओगे, ये जून में आपकी पेपर होगी, आप देख रहे होगे ये भी कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली करंट अफेयर्स का रिलेशंस या इन्वायरमेंटल साइंस का रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशनों में। एंड देख रहे हो ये सारे पेपर्स जो है ये 6th जेपीएससी के बंदे हैं जो जेपीएससी के पेपर को देख कर निकल रहे हैं, इनसे हमने बात की है और इन्होंने कहा है कि करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी सिलेबस में दे रखा है 15+15, तो डेफिनेटली है कि ये इम्पोर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक है। इप्सा रिफर्म्स देयर कमिटमेंट टू एड्रेस जेंडर गैप एंड वुमेन सेंट्रिक इशू थ्रू द म्यूचुअल कोऑपरेशन। इप्सा लैंगिक सहयोग और महिला केंद्रित मुद्दों को आपसी सहयोग के माध्यम से संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जो अभी इप्सा के जो रेफरेंडम्स मीटिंग्स हुए हैं, इनमें जो जेंडर गैप्स है या ह्यूमन सेंट्रिक जो महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको दूर करने पे विचार किया गया है। द 6th इंडिया, अब ये जो मीटिंग हुई है आप देखो, द 6th इंडिया ब्राजील, 6th इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली। ये कल ये मीटिंग हुई है, ये इप्सा का नाम है, ये संगठन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ओके, एंड इंडिया, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ओके, ये कंट्रियों का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से ये जो कंट्री हैं, इनका एक ट्राइलेटरल कॉम्बिनेशन, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का ये ट्राइलेटरल मतलब तीन कंट्रियों का ये संगम है, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फोरम इन ए यूनिक प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स टुगेदर इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, 3 लार्ज डेमोक्रेटिक एंड मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज का ये संगम है। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट of the government of India. During the meeting, the ministry reframed their commitment towards addressing the gender gap and women-centric issue through mutual cooperation. इनका ये जो meeting है, इसका main concern यही था कि महिलाओं से related जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कैसे दूर किया जाए मिल बांट के, और ये especially 3 major democratic country हैं, India, Brazil and South Africa. आइए अब देखते हैं यार इप्सा क्या है और इप्सा का गठन कब हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है, ओके? तो द इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका एक डायलॉग फोरम, ये लोगों ने आपसी वार्ता के लिए एक डायलॉग फोरम एस्टेब्लिश किया। ये कब किया डियर, तो 2003 में किया गया। इप्सा इज ए कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म अमंग 3 इमर्जिंग कंट्री, 3 मल्टी एथनिक्स एंड मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसीज विच आर डिटरमाइंड टू get together, form together, bring together and discuss together
विद द मेजर इश्यूज। और अभी जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब महिलाओं से सेंट्रिक मीटिंग्स हुई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया है एक मौद्रिक या मॉनेटरी पेनल्टीज दिया है, या आप सको कि ये वित्तीय सजा दिया है किसको, स्टेट बैंक को, 2 करोड़ रुपए का, फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में के 10 सेक्शन में, सेक्शन 10 में जो कुछ रूल्स हैं, उस रूल का उन्होंने बाधा किया है, क्योंकि बैंकिंग एक्ट क्या है, 1949, तो इसमें उनके वायलेशंस किया है। स्पेसिफिक डायरेक्शन इशू टू द बैंक ऑन द पेमेंट, स्पेशली पेमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हुआ है, कुछ उसके रूल्स को इन्होंने क्या किया है, इग्नोर किया है या वायलेटेड किया है, इसलिए आरबीआई देख रहे हो इतने बड़े बैंक, स्टेट बैंक को पनिशमेंट दिया है। द इंडियन पार्लियामेंट इज डिस्कशिंग ओवर ए प्रपोजल टू फॉर्म ए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप विद अ फ्रेंडली नेशन इन ए बीड टू स्टैंड इन द बायलेटरल रिलेशंस। ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का फॉर्मेशन करने के लिए इंडिया ने पहल करा है, और ये जो हमारे मैत्री कंट्री हैं, जो पड़ोसी कंट्री हैं, उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया जाए, जिसके वजह से हमारे बायलेटरल रिलेशन काफी मजबूत हो। इनकी जो मेंबरशिप्स होती है, द फ्रेंडशिप ग्रुप शैल कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हुआ है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप IPG बनाने का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें मेंबर कितने होंगे, 9 होंगे पार्लियामेंट्री, 6 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा, ओके, एंड 5 स्पेशल इनवाइटीज होंगे हु हैव स्पेशल एप्टीट्यूड्स फॉर एन इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री with which the friendship group is designated to interact, members of the council of ministers shall not be nominated to a parliamentary friendship groups. तो ये parliamentary friendship group जो बनाया गया है, इसमें 9 members होंगे, 6 आपके कहाँ के होंगे, 6 member from Lok Sabha, you can say the public house, and 3 member from Rajya Sabha, you can say the upper house. तो ये कितने होंगे, 6 और 3 members की ये ग्रुप्स होगी, और ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट कंट्रियों के साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके साथ एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वर्क करेगा, सो डैट कि कई कंट्रियों के साथ हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप क्या हो, काफी मजबूत हो। फाइन गुड्स, ऑफिशियल बैरियर्स क्या है, तो लोकसभा स्पीकर्स अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट्स ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप। तो इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के प्रेसिडेंट्स कौन होंगे, लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला। द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा शैल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, तो लोकसभा स्पीकर, और ये कौन है, तो आप बोल सकते हो ओम बिरला। ये क्या है, इसके लोकसभा के स्पीकर से। और दूसरा अगर बात करोगे तो सेक्रेटरी जनरल कौन बनाया गया है, तो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप, किसको, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को एक्स ऑफिशियो या पदेन का सेक्रेटरी बनाया गया, पदेन अध्यक्ष बनाया गया, किसका, न्यू पार्लियामेंट्री ग्रुप का, ओके। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं इनको थोड़ा इरेज कर लूं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ग्रुप्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देखने का बात करोगे, चूंकि ये नई कंस्ट्रक्टेड है तो काफी इंपॉर्टेंट है। टू मेंटेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंट्री। मान लो इस कंट्री के और इस कंट्री के पार्लियामेंट ग्रुप के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट लेवल पे बायलेटरल रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, जिनके अंदर आप देखोगे जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, सोशल और सांस्कृतिक संबंध हैं, इन सबों को मजबूत करने में मदद करेगा। टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्टैक्ट स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉक, म्यूचुअल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन बिटवीन द टू पार्लियामेंट, ये सबका साथ सबका विकास जो थीम है। टू असिस्ट इन हैविंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सपीरियंस ऑन इशूज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ द टू कंट्रीज वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द डेलीब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इन द कैरिंग आउट कंसल्टेशन ऑन इशूज ऑफ
mutual interest and when such opportunity arises. To increase ties between members countries and to establish and evolve an insight into the best parliamentary practice that are worth representing. Okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो पार्लियामेंट्री मेंबर ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये दो मुल्कों के बीच में एक राजनीतिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और कल्चरल लेवल पे एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम करेगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है. ओके फाइन. इंडिया आईटी फर्म, इंडिया की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फर्म है, उन्होंने टाइप किया है किसके साथ टाइप किया है, तो फिनलैंड की फर्म के साथ. भारत की आईटी फर्म फिनलैंड के साथ सहयोग करेगा. तो और टाइप किया किन बातों के लिए टाइप किया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर्स विप्रो एंड द टेक महिंद्रा आर कोलैबोरेटिंग विद द फिनलैंड्स कंपनीज टू डेवलप 5G and 6G technology for use in India besides other markets. तो विप्रो एंड टेक महिंद्रा जो है फिनलैंड की कंपनी के साथ टाई अप किया है 5G और 6G. Nokia is already working in rural area of India to expand 5G application, said Nita Bhushan, joint secretary in charge of Central Europe, after a virtual summit between Prime Minister and Prime Minister of Finland. तो ये दोनों मुल्क का अभी हाल ही फिलहाल में कई एमयू साइंस हुए हैं और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 5G और 6G को लेके ये दोनों देश जो है आपस में एक टाइप कर रहा है. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एमयू बिटवीन इंडिया मालदीव ऑन कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. तो केंद्रीय मंत्री ने खेल और युवा मामलों में सहयोग पर भारत मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है. मालदीव भारत का काफी अच्छा पड़ोसी माना जाता है और हम लोग हमारे यहाँ जो खेल और युवा अफेयर्स के एक डेवलपमेंट के लिए एमयू साइन हुआ है. द कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम मोदी ऑन मार्च 16, 2020 फॉर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव. द एमयू वाज साइन इन नवंबर 2020 बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ऑफ मालदीव एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इंडिया फॉर कॉपरेशन इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ. ये भी नवंबर 2020 में पहले साइंड हुई थी. इसी को हम लोगों ने क्या किया है, अप्रेज किया है, थोड़ा सा अप्रूव्ड कर दिया है. तो ये पहले साइन हुई थी बट अब इसको अप्रूवल मिल चुका है. तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर आप ये करोगे. तो पहला क्वेश्चन कि ये सिग्नेचर हुआ कब था 20 में और इनको अप्रूवल कब मिला है 21 में मिला है. The bilateral exchange program between India and Maldives in the field of sports, youth affairs will help in expanding the expertise and knowledge in the field of sports, medicine, sports science, participation in youth festivals and camps, coaching techniques, which will result in the improvement in performance of Indian sports person in the international tournaments. It will also strengthen the bilateral relationship बिटवीन इंडिया एंड मालदीव. देखो किसी भी प्रकार का अगर समझौता होता है, किसी मुल्कों के बीच में समझौता होता है, तो कई तरह के बेनिफिट होते हैं आपस में बायलेटरल. ये तो मान लो कि स्पोर्ट्स का एक है कि हमारे यहाँ खेल और खिलाड़ियों और युवाओं में एक सहयोग बढ़ेगा. इसके साथ ही दो कंट्रियों के बीच में काफ़ी रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. आप देख पाओगे मालदीव्स के, तो मालदीव एक ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मालदीव है. ये स्मॉल एक सिटी है, स्टेट है सॉरी, इन साउथ एशिया, सिचुएटेड इन द अरेबियन सी ऑफ इंडियन ओशन. तो ये इंडियन ओशन के अरेबियन सी में यह सिचुएटेड है. इट इज लाइज साउथ वेस्ट श्रीलंका एंड इंडिया, अबाउट 400-700 किलोमीटर फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट मेनलैंड. तो एशिया कॉन्टिनेंट के मेनलैंड से 700 किलोमीटर पर बैठा हुआ है. इसकी कैपिटल की बात करोगे तो माली है, और अगर करेंसी की बात करोगे तो मालदीवियन रुपया है, रुपया है. और कॉन्टिनेंट ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. और इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ये क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट है. तो इतनी जानकारी आपको मालदीव्स के बारे में मिलती है. और भारत में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के कंसर्न को लेके इस मालदीव के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है. तो ये यहाँ पे काफी आपको इम्पोर्टेंट मिल जाता है कि आपका पड़ोसी मुल्क मालदीव है और ये बताओगे कि ये जो है अरबियन सी के पास, ये मतलब भारत और इसके बीच में अरबियन सी आता है,
और अरबियन सी को पार करोगे तो आप मालदीव पहुंच सकते हो। और मालदीव के प्रेसिडेंट से इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, और यहाँ की करेंसी देख रहे हो कि मालदीवियन रुपया है, और माले इसका क्या है, कैपिटल है। जितनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। आइए, माई लाइफ इन फुल, फॉर्मर पेप्सिको सीईओ इंदिरा नोई मेमोरी टू बी पब्लिश इन सेप्टेम्बर। तो ये जो सितंबर आने वाला है, इसमें इनकी जो है मेमोरी पब्लिश होने वाली है इंदिरा नोई की। इनकी बुक है माई लाइफ इन फुल। द पेप्सिको सीईओ इंदिरा नोई हैज मेमोरीज कमिंग आउट दिस फॉल दैट हर पब्लिशर इज कॉलिंग एन अनवर्निश्ड टेक। क्या है? अनवर्निश्ड टेक ऑन हर राइज टू कमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर विल बी पब्लिश्ड 18th September, portfolio books announced Monday. Indra Noi, 65, will trace her life from a childhood in India to her experience as an immigrant at Yale University's business school to her many achievements as rare women and person of color in upper echelons of the corporate. तो ये काफी small places से, और ये यूनिवर्सिटी के ऑफ मैनेजमेंट से पढ़कर आज पेप्सिको इंडिया की सीईओ बनी है। ये काबिले तारीफ है डियर। ओके फाइन, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा ये सेशन। तो इनकी बुक्स आने वाली है सितंबर में, माय लाइफ इन फुल। तो आप एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है, माय लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर बुक किन पे लिखी गई, किन की आत्मकथाएं हैं? आप बोलोगे इंदिरा नोई की। नोकिया ने पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन एंड गूगल के साथ। क्यों किया है भाई? द फिनलैंड की जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर नोकिया है, ऑन मंडे अनाउंस इट हैज पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न्स वेब सर्विस एंड गूगल टू डेवलप ए न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशन विद इट्स रेडियो एसएस नेटवर्क आरएनए टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके कि चूंकि ये मैटर 5G का है और 6G का है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के माइक्रोसॉफ्ट नोकिया, आप इसे पहले देख रहे थे कि भारत की कंपनियां और भी कंपनियां हैं जो 6G पर काम कर रही है, और यहां पे टाइप हो गया स्पेशली रेडियो प्रसारण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शॉपर्स इन टू इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर, जो अभी देख रहे हो कि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंतित है। और ये इंडेंजर है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स over the bats falling dead after collisions with power lines running through their dwellings natural habitat। इनके natural habitat को जो power line जो जाता है, electricity बिछाते हैं, इन सब काफी खतरा है, तो especially in Gujarat and Rajasthan। But the court suggested treading the middle path। उसने कहा है कि चलो इनका बीच का रास्ता निकालो और इनको इनडेंजर से जो है नॉर्मल लिस्ट में लाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को झपट्टा मारा, गुजरात और राजस्थान में घटते प्राकृतिक आवासों के माध्यम से चलने वाली बिजली लाइनों से टकराकर मरने वाले पक्षियों पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन अदालत ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी तो लेना ही पड़ेगा, वायर तो निकालने ही पड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं है, तो इनका बीच का रास्ता, मतलब हो सकता है आप अंडरग्राउंड वायर को ले जाओ या कुछ ऐसा इंसुलेटर लेके चले जाओ, ताकि ये जो लाइफ है इनका क्या हो, इनका डिस्ट्रक्शन ना हो। ये डर इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आइए, फायर एट ढाका, देख रहे हो कि ढाका में जबरदस्त आग लगी है इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 3 पेशेंट डाइड ड्यूरिंग इसके बचाव में 3 मरीजों की जान भी चली गई है। ए फायर ब्रोक आउट इन द आईसीयू ऑफ द ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑन वेडनेसडे। 3 पेशेंट डाइड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एबुलेटेड फ्रॉम आईसीयू। डायरेक्टर ऑफ द ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर नजमुल हक टोल्ड द मीडिया दैट वन ऑफ द पेशेंट वेयर बर्न, दे डाइड वाइल द बीइंग एबुलेटेड फ्रॉम द आईसीयू। तो आईसीयू के में एक पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है। आप देख रहे हो बांग्लादेश ने 10 डेज लॉन्ग सेलिब्रेशन बंगबंधु शेख मुजीबीन सेंचुरी। ये शेख मुजीबीन के जो है, इनको जो है 100 वर्ष पूरे होने पर ये बांग्लादेश 10 डेज का प्रोग्राम कर रहा है। ये गोल्डन जुबली ऑफ द लिबरेशन बिगन्स। बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबीन शताब्दी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती का 10 वर्षीय उत्सव, ये 10 दिवसीय उत्सव मनाएगा। ये 100 साल पूरा होने पर, और ये फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबीन। ओके, इन्होंने ही बांग्लादेश को अलग करने का श्रेय इनको जाता है।
ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द 10 डे लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बर्थ सेंचुरीज एंड द गोल्डन जुबली ऑफ द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश स्टार्टेड इन बांग्लादेश ऑन वेडनेसडे. द प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बंगबंधु शेख मुजीब ऑन वेडनेसडे एंड विल कंक्लूड ऑन 26 मार्च मेकिंग द लिबरेशन डे ऑफ बंगाल. तो आज से शुरू होकर ये 26 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा. इंडिया बांग्लादेश होल्ड वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग. भारत बांग्लादेश ने जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक को मंजूरी दी है या इस पर बैठक किया है. द सेक्रेटरी लेवल मीटिंग्स बिटवीन वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द ज्वाइंट रिवर कमीशन वॉज हेल्ड इन दिल्ली. According to a press release issued by the High Commission of India, both sides noted that India and Bangladesh share 54 common river. कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश 54 common river, which directly impact the livelihood of people of two countries. Both sides commended the close cooperation that exists between India and Bangladesh in the matter. आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बाउंड्री है ये सबसे बड़ा विदेशों के साथ या विदेशी सीमा को टच करने वाला इंडिया की बाउंड्री है और अराउंड 54 रिवर का कनेक्शन दोनों देशों के बीच में है. तो इन्होंने कहा है कि जो वाटर रिसोर्स के लेवल पे जो हमारी बिटिंग हो रही है एक हम लोग फ्रेमवर्क बना के काम करें ताकि दोनों कंट्रियों के लाइवलीहुड पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाला जा सके. ऐसा वो पाकिस्तान और कंट्रियों के साथ पानी रोकने और इसकी बात ना आए. ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है, इनको भी याद रखने की जरूरत है आपको. चलिए तो आज का ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा. आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिसंबर में. जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है उस कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स इज द फोकस स्टेट इन द फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च ऑन द 1st December 2020. तो पहले दिसंबर को जो आदि महोत्सव लॉन्च की गई थी उनके लिए जो है फोकस स्टेट्स कौन सा रहा है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केरला. 1 दिसंबर 2020 को शुरू किए गए पहले आभासी महोत्सव में किस भारतीय राज्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ओके द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च द फर्स्ट एवर वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव इन मध्य प्रदेश ऑन 1st December 2020. द 10-डे लॉन्ग फेस्टिवल विल बिगिन फ्रॉम द December 1, 2020. इट इज बीइंग होस्टेड ऑन द ट्राइबल इंडिया वेबसाइट www.tribalsindia.com. द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल आदि महोत्सव इज ऑन द ट्राइबल क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश. तो आंसर आप कर पाओगे मध्य प्रदेश. फाइन चले. द सूर्याधर लेक हैज रिसेंटली बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी. सूर्याधर झील का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? देहरादून, शिमला, भोपाल एंड वाराणसी. उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इनोग्रेटेड द सूर्याधर लेक एट डोईवाला इन देहरादून ऑन 29 नवंबर 2020. तो आंसर क्या होगा डियर? देहरादून है जो कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के सीएम है रावत महोदय, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है सूर्याधर लेक को. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द ड्यूरेशेकर कैंपेन्स. ओके ओके कैंपेन टू अवेयर एंड हेल्प पीपल अवेल द स्टेट्स रन वेलफेयर स्कीम. किस राज्य ने लोगों को जागरूक करने और राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अरे द्वारे सरकार अभियान की शुरू की है? ओके तो द्वारे सरकार आप बोल सकते हो, डोर पर आपका सरकार, ड्यूरे सरकार या द्वारे सरकार आप बोल सकते हो. ओके तो आंसर क्या होगा? दैट इज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज लॉन्च ए मैसिव कैंपेन टाइटल द्वारे सरकार. ओके गवर्नमेंट एट डोर स्टेप्स टू अवेयर People about 111 states run welfare scheme. तो राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इनको पूरी तरह से जानकारी देने के लिए आपके डोर पर आएगी कौन? सरकार. World Computer Literacy Day is observed on which day? 1st December, 2nd December, 1st Tuesday of December, 1st Wednesday of December. विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो World Computer Literacy Day is observed annually
on 2nd December to create awareness and drive digital literacy in underserved community worldwide. The day was originally founded by the Indian computer company NIT to mark its 20th anniversary in 2001. तो क्या होगा डियर, तो 2nd दिसंबर इसका आंसर होगा. चलिए, द इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम विच प्लेस ऑन 1st दिसंबर 2020. उत्तराखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार एंड तेलंगाना, किन जगहों से इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज ब्रह्मोस का जो है सुपरसोनिक शिप वर्जन को टेस्ट किया है. इंडियन सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी ऑन 1st दिसंबर. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना चाहिए. नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द लेटेस्ट US एयर क्वालिटी इंडेक्स. न्यू दिल्ली, दुबई, काठमांडू एंड लाहौर. नवीनतम अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक में किस शहर को दुनिया के सबसे दूषित प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया. लाहौर, द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डाटा रिलीज बाय द USA एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो क्या होगा आंसर, क्या होगा, लाहौर. तो थैंक यू, ये सारे क्वेश्चंस रहे. आप सभी क्वेश्चनों को फिर से दोबारा देखेंगे, देख के इनको अपने लेवल पे तैयार करेंगे, ठीक है, और ये काफी आपको मदद करेगा. ओके, सो लाहौर, द कल्चरल कैपिटल पाकिस्तान, हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू एयर पॉल्यूशन. ओके, चलिए, थैंक यू टू लिसन मी वेयर केयरफुली. तो एमिनेंट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब करो, ये हमारा खुद का अपना निजी यूट्यूब चैनल है. इस पे मैं आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स और बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स, समटाइम्स हम ऑडिटोरियल्स को भी डिस्कस किया करेंगे, ताकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है डियर आपको भी पता है, तो वो आपको मदद करेगा. तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें. आप टेलीग्राम पे भी सेम आ सकते हो और यूट्यूब पे भी आ सकते हो डियर. ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल. ओके, चलिए, 9:30 में हमारा सेशन ऑलवेज चलेगा डियर, 9:30. ओके.